हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ अरे भाई हो जाता ना भाई। भाई, आपका काम मतलब कि स्टार्ट हो चुका है ये? ठीक है, हाँ भाई जैसे ही हो जाता है हम आपको अप टू डेट मतलब कि दे देते हैं, ओके भाई, ठीक है ना? सिरी एप्लीकेशन है अगली बार ना? ऐसा मैसेज नहीं आता ना भाई। अगली बार ना ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद रिमूव होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, सिरी एप्लीकेशन है ना? हाँ भाई हाँ, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा रिमूव अभी। हाँ भाई हाँ भाई ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ठीक। ओके भाई हाँ भाई चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। और फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कितना का भी लोन हो भाई, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट दोबारा करेगा, आपको बता देना चाहता हूँ। पेमेंट जैसे ही कीजिएगा, कितना लोग सोचते हैं कि भाई पेमेंट कर दे पेमेंट कर दे, नहीं बोलने के बावजूद भी लोग रिपेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद आपको हरासमेंट करना स्टार्ट कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन, आईफोन में यहाँ पर सिरी लोन चल रहा है, एंड्रॉयड में। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको भाई? आ रही है भैया। भैया बोलिए भाई, बताइए। मैं बजाज के बारे में पूछ रहा था, पर्सनल लोन है जैसे, पर्सनल अच्छा, कितना का लोन है आपका? हाँ लोन बजाज का हाँ 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 1 लाख का, अच्छा, हाँ तो उसके मतलब आर्बिट्रेशन की नोटिस वगैरह भेजते रहते हैं रोज, अच्छा, आपके मैसेज में या जीमेल पर या घर पर भेजते हैं, बोल सकते हैं व्हाट्सएप पर? ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं एक अच्छा रिकवरी अच्छा एजेंट घर आ जाते हैं भाई, ठीक है, बजाज फिनसर्व से यदि आपका लोन है तो। अच्छा हाँ, रिकवरी एजेंट घर पर आता है ये सबका। अच्छा हाँ बोलते हैं कि केस हो जाएगा और ना ना पेमेंट करो केस वाला। नहीं अच्छा होता है, केस नहीं होता होगा, आपका सिविल डाउन हो जाएगा और डिफॉल्टर अच्छा कर देगा सब, विलफुल डिफॉल्टर सब सारा जो भी ये कर देगा, और उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा कहीं से, आपको दिक्कत होगा लोन लेने में, ये होता है। चलो वो तो आगे के लिए तो भैया ना मिलो, पर इस बार मतलब केस वगैरह ना हो जाए, ये ना ना, प्रॉब्लम हो केस रही नहीं है। होगा, केस तो नहीं होगा, ठीक है। रिकवरी एजेंट का थोड़ा डर है, समझ गए, घर पर आएगा सब। नहीं वो नहीं आ सकते यहाँ गाँव, आते हैं मतलब आ लिए, मेरे पास 2 दिन बाद आए हैं, हाँ, एक एक बंदा आता है, पर वो ज्यादा वीडियो बोलते वीडियो वो बनाए हैं कि कि नहीं आया तो? नहीं, वो ऐसी बातें नहीं करते, मतलब उल्ट सुलट कुछ नहीं बोलते, वो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि भाई साहब पेमेंट कर दो, मगर है नहीं पेमेंट भाई होती तो मैं कर नहीं देता मगर। कितने महीना चल रहा है ये लोन? ये भैया करीबन हो गया ये, आप मानो जनवरी से पहली किस्त थी मेरी, अच्छा, एक ही किस्त मैंने पे की है और एक दो किस्त खुद एजेंट ने पे की है, तो उसके बाद तो मैंने एक किस्त के अलावा कुछ नहीं दिया। मतलब कभी तक बकाया, मतलब कि बढ़ाकर बहुत ज़्यादा ड्यूज कर दिया होगा आपका, 1.5 लाख का, हाँ टू तो इन्होंने मतलब करीब मेरा 1,80,000 बना रखा है। मतलब को वहीं 2 लाख के करीब में कर दिया सब। हाँ बिल्कुल 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 ना तो केस वोस नहीं होगा उसका, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, होगा अच्छा आपका ठीक है, सिविल वैसे डाउन करेगा, तो बाकी और दिक्कत नहीं होगा। चलो वो तो हो जाए, वैसे धमकी देते रहते हैं कि केस होगा। ना ना, धमकियों की कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही बोलता है सब डराने के लिए। हाँ कभी वकील बन के कॉल करते हैं, कभी कुछ बन हाँ, के, कभी पुलिस कुछ। बनकर कॉल करेगा, कुछ नहीं होता है। हाँ। चलो भैया यही कंफर्म कर रहा था मैं, आपसे बात होगी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ठीक 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 है चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिए, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना? चलो कॉल करते हैं, चलिए कॉल लगाते हैं भाई। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ, बोलो बोलो सर बोलो। अच्छा यही बोल हो गया सर रहा काम वो, था। हाँ, आपका हो गया है काम? कैसे फंस गए थे इसके चक्कर में, सिरी लोन? अरे सर क्या बताओ, अभी जस्ट मैंने जस्ट लॉग इन मारा, पूरे डिटेल्स डाले और अपना अकाउंट में आ गया पैसा, मतलब लाइक पता नहीं आप कितना फटाफट। ये तो एप्लीकेशन इतना बड़ा हो चुका है कि ये एप्लीकेशन अभी 1 महीना से रन कर रहा है, समझ गए, ऐप स्टोर पर। नहीं, अभी वही, हाँ वही वही वही, एक्चुअली मैंने जस्ट सर्च किया उससे पहले नाम इसका ही आया, तो चीज सुन के तो किसको भी लग गया अभी ना, मतलब हाँ तो चलो जनवरी से लगा। अभी आप सर्च करिएगा तो बहुत सारा फ्रॉड एप्लीकेशन, फास्ट पैसा, यही सब आ रहा है सब, लोन सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर। नहीं सर अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हो गया मेरा काम, हाँ, आपका हो गया है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मतलब एक्चुअली रिपेमेंट का दिन मेरा कल का है, ना ना, मतलब रिपेमेंट तो कॉल बिल्कुल मैसेज भी आया नहीं नहीं, करना है, रिपेमेंट नहीं करना है नहीं वो। रिपेमेंट तो मैं करेगा भी नहीं, तो
आपने जैसा बोला अनइंस्टॉल, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, हाँ 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 ठीक हाँ है। तो हाँ उसके बाद हाँ मुझे अभी कॉल मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, क्या ना मतलब? ना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। नहीं वैसा मेरे को ना, अगर आएगा तो मेरे को कुछ आगे प्रोसीजर वगैरह देगा तो आप बता सकते हो, मतलब ना वैसा ना कुछ आगे क्या तो कुछ? कोई प्रोसेस है नहीं आपका, जो भी था डेटा का वहाँ पर खेल था, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, नॉर्मल मैसेज हो गया, उसी पर नहीं ये लोग धमकी देगा ना। नहीं सर पे करने के लिए कुछ इश्यू नहीं है, पर मैंने अभी जस्ट रीड किया ना, तो लोग बोलते हैं कि मतलब इतना पे करने का, वापस बोलते पे करने के लिए, वापस हाँ बोलते पे करने के लिए, पे तो फिर पे वो कर, लूप में फंस जाएंगे ना हाँ फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो लूप में आप फंस जाइएगा, वो पैसा ऐसे मांगते रहेगा हाँ तो कुछ ट्रैप में। मतलब भी नहीं है। हाँ तो ऊपर से और रिलेटिव्स को भी मैसेज कॉल करेंगे, ये करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है उसमें। तो इसलिए मतलब आपको पूछा मैंने, मतलब क्या है ना क्या कोई नहीं है। दिक्कत नहीं ठीक आपका, हो गया है काम, ठीक है। है सर, देखते हैं अभी, मतलब अभी तो कुछ कॉल वगैरह तो नहीं, पर देखते हैं। अब मैं वैसे करता एक हूँ दिन जैसे ही पहले ही कॉल कॉल वगैरह। करना अच्छा स्टार्ट कर देता है सब, समझ गए। हाँ ओके ओके एक ओके, दिन आपका हो पहले गया ही, मेरा हाँ अभी ठीक आपका हो गया है काम। है। सर जी कुछ प्रूफ वगैरह, मतलब ऐसा डाटा हाँ जैसे वाटा? हाँ भेजते हैं आपको प्रूफ, हम भेज देते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके ठीक। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, इनको बोल दिए। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। चलिए भाई, हेलो, हाँ भाई बोल रहे थे कि आपका मेन एप्लीकेशन से हो गया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो अभी फिर नए नंबर से कॉल आ रहा था, उनका मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ब्लॉक कर दीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए रिपेमेंट इसका पहले कर दिए थे ना, एक बार जब पहले लोन लिया था वो मैंने रीपेमेंट कर दिया था, बट ऑटोमेटिकली उन्होंने दोबारा फिर लोन दे दिया और वो मेरे अकाउंट में भी नहीं आया। हाँ वो अकाउंट आप में नहीं आया, तो अच्छा, मैंने उन्हें आपने दोबारा। दोबारा वो लोन प्रोवाइड किया, प्रोसेस किया, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। हाँ जी, मैंने नहीं, मैंने प्रोसेस भी नहीं किया था दोबारा, नहीं वो लोग जैसे दोबारा मैंने डाल देते हैं, रीपेमेंट कर जबरदस्ती दिया। दोबारा डाल देते हैं वो लोग पैसा अकाउंट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो मेरे अकाउंट में भी नहीं आया। लेकिन शो कर रहा है वहाँ पर। हाँ जी, वहाँ पे तो शो कर रहा था, ना अब तो तो कोई मैंने दिक्कत नहीं उनको होगी बताया। आपका। हाँ जी, तो हाँ वैसे अभी उन्होंने मेरी फोटो व्हाट्सएप की थी मेरी, अभी कुछ कॉन्टैक्ट उनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप किया था। कितना कॉन्टेक्ट लिस्ट भेजा था आप पर? कॉन्टैक्ट तो काफी है अननोन, मैंने ना उसी दिन से ही मैंने ना अपना जीमेल आईडी फोन से रिमूव कर दिया था, जो इसमें कॉन्टैक्ट नेम लिखे थे सभी मैंने रिमूव कर दिया, अभी अननोन ही है सभी कॉन्टैक्ट मेरे। तो वैसे सारे एक्सेस मैंने बंद किए हुए थे, जो पहले डाटा गया चला वही था उनके पास। तो अभी देखते हैं, अभी वैसे अभी कॉल तो आ रही है अभी कुछ, अभी ऐसा किसी कॉन्टैक्ट, किसी मेरे रिलेटिव ने कुछ कहा नहीं कि किस उनको कोई ऐसी आई हो कॉल या कुछ मेरी फोटो आई हो। तो ये ऐसे करते हैं ना, एक तो मेरी तो चलो फोटो कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो बोलते हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट है ना उनकी डीपी है उनको भी करेंगे। हाँ इसी यही डर लगता है वैसे, अपना तो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सबको समझा सकते हैं ना कि मेरा तो ऐसे स्कैम हो गया, अगर दूसरे का करता है तो फिर वो बोलता है तेरी वजह से मेरा भी हो रहा है। सही बात है, सही बात है, दूसरे को भी हाँ नहीं, कीजिएगा तो वो सब मतलब कि दिक्कत होती है, सही बात बोला आपने। तो अभी चलो आपने कर दिया तो अभी देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको ब्लॉक कर दिए थे ना हाँ आप? उसको तो ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर, वो नए नंबरों से कर देते हैं ना, एक को ब्लॉक करो नए से कर देते हैं। हाँ सारा वेबसाइट कॉलिंग रहती है ना, जनरेटेड वेबसाइट हाँ कॉलिंग रहती है, कितना बार भी ब्लॉक कीजिएगा तो अलग अलग नंबर से मतलब कि आती रहती है। थैंक यू आपका। वैसे मैंने यूट्यूब पे पहले भी कई वीडियो देखी थी, सब्सक्राइब भी किया मैंने, तो थैंक यू अगर आपने इतनी हेल्प कर दी तो, क्योंकि मेरे पास ना यही पेमेंट थी, मैंने सोचा इनको देने के बजाय और भी फंसूंगा तो आपको देता था वो ना, आपने तो हेल्प कर ही देनी है। मैंने फ्रेंड से अरेंज की थी, तो मैंने इनको पे करने से पहले मैंने कल सोचा कि सोल्यूशन देखता हूँ, यूट्यूब में आपकी वीडियो पहले भी देखी थी तो अभी देखी, तो फिर आपने रिपेमेंट मेरे इनका बिल्कुल भी नहीं करना होता है, समझ गए हैं। जो 7 दिन वाला हाँ जी देखिए, मान लीजिए कभी भी फ्यूचर में कभी भी मान लीजिए आप लोन लेने गए, और मान लीजिए कभी फंस गए, 7 दिन वाला एप्लीकेशन, 7 दिन में पैसा कोई भी मांग रहा है उसका पैसा देना ही नहीं है भाई, ठीक बिल्कुल।
अभी वैसे सोच लिया फ्यूचर में ऑनलाइन पेमेंट तो कभी किसी ऐप से नहीं लेंगे। पहले वैसे मनी व्यू क्रेडिट भी इनसे लिया था, ये लीगल थे ना, इनका कोई दिक्कत नहीं आया, तो फिर ऐसे ही हम चलते गए। चलो और भी एप्लीकेशन ट्राई कर ली, तो ऐसे ही फंस गए बस इस स्कैम में। अरे बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है, समझ गया ना, बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है। अभी काफी दिक्कतें आई थी, तो अभी आपसे बात हुई, अभी थोड़ा माइंड रिलैक्स लग रहा है। सुबह से मेरा जमा भी कुछ खाने पीने को नहीं मन कर रहा था, तो भी रिलैक्स लग रहा है अभी। वो भी डर नहीं है कोई फोटो वायरल हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, चलो। ना कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, आपका हो चुका है ना काम, कोई दिक्कत, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने कर दिया तो थैंक यू सर, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, आपका। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गई, इनको बोल दिए, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए कॉल लगाते हैं। हेलो हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है भाई, बताइए। हाँ जी, आपका वही मैंने वीडियो देखा था, मैंने क्रेडिट को ऐप आपने सुना होगा, तो उससे फर्स्ट टाइम पे मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है, समझ लीजिए आप, कि मैंने उस मतलब रजिस्टर किया, पैन वगैरह डाला और लोन के लिए अप्लाई किया था, बट मैंने कंटिन्यू नहीं किया, और नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में 4,200 रुपीज आ गए, और मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से, मतलब क्या है ये। फिर मैंने ऐप खोल के देखा, तो उस पे रीपेमेंट 6,400 बता रहा, तो अब उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। मेरे मुनी को मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि कंपनी पॉलिसी है 40% ये होता है, ऐसे ऐसे है ना, बट फर्स्ट टाइम मैंने फिर रीपे भी कर दिया था 6,400, तो पता ही नहीं अपने आप फिर से मेरे अकाउंट में 4,700 आ गए। उसमें ऐसा कोई रहता है कि पता नहीं क्या, कि अपने आप ही आ जाते हैं पे करने के बाद भी, अब वो 7,700 मांग रहे हैं। मैंने सर्च किया कि कैसा क्या है, तो वही आप चैनल पर देखा, तो फिर वही देख थोड़ा डर गया कि ये ऑनलाइन मतलब ऐसे न्यूड फोटोज एंड ऑल, कि फैमिलीज को कॉल जाता है ये जाता है, तो होता है ऐप तो इंस्टॉल किया, और आपने कहा था कि रिपेमेंट मत करना, तो मैंने कहा कि आपको कॉन्टेक्ट करूँ, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। वही है कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए हैं। हाँ, वो आपको मैंने ऐप वीडियो देखा था, आपने इसमें समझाया था, तो अब क्या करना चाहिए मुझे जी? वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, समझ गया ना, हम डेटा रिमूव करवाते हैं भाई फ्रॉड एप्लीकेशन से, समझ गए हैं। ओके, हाँ जी समझ गए। वो चीज़ हो जाने के बाद कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल मैसेज नहीं जाता है भाई, ओके, तो कैसे करना क्योंकि है बताएंगे? आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। हाँ, चार्ज है 2,450 रुपया डेटा रिमूव पर भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन से। 2,250 के बाद मतलब कंफर्म है कुछ नहीं होगा? 100% कंफर्म है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा भाई। मेरा वीडियो देखे होंगे तो वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मैं डेटा रिमूव करवाता हूँ, समझ गए, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन जी से। हाँ हाँ देखिए क्या होता है ना, कि रिपेमेंट भी कर दीजिएगा ना, तब पर भी आपको ब्लैकमेल हरासमेंट करेगा भाई, समझ गए। हाँ वो बिल्कुल होता है ना। तो हाँ आपको मतलब पैन कार्ड, आधार और रजिस्टर, जिस नंबर से रजिस्टर्ड है वो? बिल्कुल, रजिस्टर नंबर भेजिएगा ओके मेरे ओके, पास। हाँ तो मतलब जितने भी मतलब मैंने और भी एप्स में किए थे, वो सारे ऐप से क्लियर हो हाँ जाएगा? हो जाएगा। अभी इसके अलावा कितना एप्लीकेशन से आपने लोन लिया था फ्रॉड से? बाकी वो तो मतलब RBI अप्रूव बैंक है, तो ना तो वो सब लोन उसका ऐप से। उसका उसका थोड़ा ना कोई दिक्कत होगा, मेन तो दिक्कत फ्रॉड एप्लीकेशन का है ना। वो तो दे हाँ दीजिएगा जी तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, नहीं दीजिएगा खराब हो जाएगा वो। हाँ उसका तो देना ज़रूरी है ना, वो तो NBFC है। हाँ हाँ वो उसके तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये से देखते हुए मैं थोड़ा डर गया था हाँ ये फ्रॉड है, ये क्या बिल्कुल कैसे। फ्रॉड ये एप्लीकेशन है। कब आपने इंस्टॉल किया, आज की कल? नहीं, 16 तारीख समझ लीजिए आप। 16 तारीख, तो कॉल मैसेज तो कर ही रहा होगा ना अभी, कितना दिन हुआ अभी? अभी नहीं, उसका अगला ड्यू है 24 तारीख को, तो अच्छा, हाँ कॉल मैसेज कुछ आने के पहले ही मैंने सोचा कि यार पहले प्रिकॉशन ले लूं कि फैमिलीज पे फोन जाए एंड ऑल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो जाएगा आपका काम, पहले ठीक है। आप डिटेल मेरे पास सब भेज दीजिए, या पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, हम काम चालू करवा देते हैं आपका।
जी शाम तक कर रहा हूँ, चलेगा? हाँ चलेगा, कुछ कोई लेते दिक्कत हैं? नहीं। ठीक है ठीक ठीक है है। हाँ ओके ठीक है, ओके। और हो जाएगा ना, मतलब हो वहाँ पे जाएगा कुछ आपका। देखना तो नहीं पड़ेगा? ना ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनकी कॉल्स वगैरह आएंगी क्या मेरे पास ना ना फिर? कॉल्स नहीं आएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। जी 2450। 2450। जी आपको मैं शाम तक करवाता हूँ और ठीक डिटेल्स भेजता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके ठीक जी ठीक चलिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कॉल लगाते हैं। हेलो हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भैया, वो लोन के रिगार्डिंग कॉल की थी ना पहले, मतलब हाँ 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 कौन सा एप्लीकेशन? पिछली लोन से आया था हाँ ये कुछ फ्रॉड भैया। एप्लीकेशन है भाई, ये तो फ्रॉड एप्लीकेशन है। अच्छा तो भैया मेरी ना डेट थी कल पे करने की 22 तारीख की, तो ये आज मतलब इन्होंने मेरे को फोटो भेज दी है ये थ्रू ना, फेक शक्ल लगा के, तो कह रहे लोन अमाउंट क्लियर करो वरना ये भेज देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर भी भेज दिया था मेरे को मेरे। वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, बात हुआ था ना पहले आपसे। हाँ तो भैया मतलब कैसे है, तो मेरे को कॉल करी जा रहा है तो डाटा रिमूव कैसे हो जाएगा, उनके सर्वर से हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं भाई। ठीक है मतलब मैं कह रहा हूँ इसके, अब इसने मेरे को कॉल मैसेज किए तो इसके तो सेव ही होगा नंबर इसके पास। नहीं तो आपका नंबर मान लीजिए सेव होगा, आपने मेन नंबर का इशू रहता है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो लोग सर्वर से निकाल कर भेजता है, समझ गया ना, वो चीज़ हो जाएगा काम आपका। ठीक तो फिर है ये मेरे को कॉल करते रहेंगे, कॉल आपको 1 सप्ताह तक, उसके बाद नहीं। मतलब कब तक आएगा? 100% भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं, कॉल आएगा फिर मेरे को। 1 सप्ताह, 1 वीक तक। अच्छा तो इन्होंने मेरे को मेरे कॉन्टेक्ट्स भेजे फिर वहां से कॉन्टेक्ट निकाल लेंगे फिर। ना ना एक बार ब्लॉक कर दीजिए ना, जो व्हाट्सएप पर भेजे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट ना, उसको ब्लॉक आप कर दीजिए। उस लोग सर्वर से निकाल कर भेजता है, ब्लॉक जैसे ही कीजिएगा वहाँ से संपर्क टूट जाएगा, उसके बाद वो लोग सर्वर में जाएगा, मैंने सर्वर से सर्वर निकाल से कर कॉन्टेक्ट भेजेगा। निकाल दिए मेरे, क्या चीज़? आपने मेरे सर्वर से कांटेक्ट निकाल दिए ठीक है, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भी मेरे कांटेक्ट्स भेजे हैं, तो तो ये वहां वही से बोल निकाल रहे के हैं मेरे कि भेज दिया ब्लॉक कर इन्होंने। दीजिए वहाँ से, वहाँ से ब्लॉक, वेबसाइट जनरेटेड व्हाट्सएप नंबर होता है इनका, समझ गए हैं। अच्छा लोग डरता क्यों है कॉन्टेक्ट लिस्ट से, थोड़ी ना मेन नंबर पर आएगा तो कोई भी संभाल लेगा, उनको ज़रूरत क्या पड़ेगी, है कि नहीं? मेन नंबर पर आएगा तो कोई भी गाली देगा भाई इधर से, लेकिन गाली आदमी इसलिए नहीं देता क्योंकि वो लोगों के पास डिटेल पड़ा हुआ है। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर देगा, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा, न्यूड पिक्चर भेजेगा तो आदमी डर जाता है। क्योंकि मैं तो भैया अभी साइबर ब्रांच भी हो रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं ऑनलाइन कंप्लेंट डालें। तो डाल दिए हैं। नहीं अभी तो नहीं, अभी आए हैं जस्ट इनकी कॉल ही आया फिर बताना। साइबर के पास तभी कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो लोग बोलता है जब आप पैसा उनको दे दिया है, समझ गए हैं। अच्छा हाँ पैसा दे दिया है और तब पर भी वो लोग हरासमेंट कर रहे, तब आप लोग कंप्लेंट डालेंगे तो वो चीज़ रहता है, वो लोग के पास कंप्लेंट एक्सेप्ट होता है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट होता है। तो जैसे अगर मैंने पे कर दूंगा फिर दिक्कत आएगी, मतलब हाँ फिर से कॉल करेगा आपको। फिर क्यों करेंगे मेरे को कॉल? क्यों करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा, फ्रॉड एप्लीकेशन है और क्या। नहीं नहीं भैया मैं वैसे आपसे एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ ना। नहीं फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, इसलिए कॉल करेगा आपको दोबारा पैसे मांगने के लिए, ये लोग का यही काम ही रहता है। तो मतलब दोबारा कौन से पैसे मांगेगा, 7500 रुपये के डन हो जाएगा? बोलेगा कि आपका पैसा आया ही नहीं है, पैसा पे करो नहीं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, फिर से वही चीज़ बोलेगा जैसे अभी बोलेगा। तो ये मेरे कांटेक्ट में भी है, वैसे क्या करेगा, बस फोटो ही भेजेगा ना मेरी हाँ वही फोटो गाली गलौज करेगा और क्या करेगा, बस, और कुछ तो नहीं। ना और कुछ नहीं। तो भैया जैसे अगर आपसे कराना सर्वर रिमूव तो ये पूरा लोन रिमूव नहीं हो जाएगा 5 क्रोर्स? फाइल क्लोज नहीं ना होता है, हम लोगों का काम है सिर्फ जो आपका डाटा हैक किया वो चीज़ निकालने का, फाइल क्लोज तो उसमें कैसे होगा। क्या चार्जेस बता रहे थे आप मेरे को? 2450 रुपया। भैया एक बार मेरे को किसी और का प्रूफ भेज दोगे जैसे कैसे होता है? ठीक है भेज देंगे आप, और देखते हैं मोबाइल में पड़ा होता है आपको भेज देते हैं। हाँ किसी और का भेज दो एक बार, मैं देख के ना फिर आपको मैं बता रहा तो क्या ठीक करना है है। ठीक है ठीक है ओके ठीक। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हाँ बोलिए, बताइए आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। हाँ वो एक्चुअली फ्री लोन आपके वहाँ मैं
उसमें अप्लाई करा था लोन के लिए, और मेरे पास तो कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग, लेकिन उन्होंने मेरे कांटेक्ट का एक्सेस ले लिया है, और जो भी पिक्चर है तो उस केवाईसी के टाइम पे जो फोटो डाले थे उसको कुछ भी उल्टा सीधा लाइक लिख के बोल रहे हैं कि हम ये शेयर करते हैं, आप रीपे नहीं करोगे तो मेरे पास तो कोई लोन रिसीव ही नहीं हुआ जो मैं उनसे लाइक रीपे करूँ। तो इस केस में ये मेरी डिटेल मास मेरा अकाउंट डिलीट ही नहीं हो रहा है, और कांटेक्ट का एक्सेस है उनके पास मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स ऑफिस के साथ। ये फ्रॉड एप्लीकेशन है जो सीरी एप्लीकेशन है ना, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है जी। तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वो लोग हैक करता है ना, तो वही कॉन्टेक्ट लिस्ट हम लोग रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो आप ये कॉन्टेक्ट कितनी देर में रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे बैक टू बैक कॉल कर रही है सुबह। डेढ़ घंटा आपको टाइम लगेगा रिमूव करने के लिए, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट, हाँ मैं उससे बोल दूँ कि 1 घंटा 30 मिनट बाद में पेमेंट कर दूंगी, क्योंकि वो ना मुझे कॉल पे कॉल कर रही है, नहीं तो कह रही है कि मैं आपके कॉन्टेक्ट में सारी फोटोज एंड ऑल शेयर करूँ। तो डिटेल मेरे पास आप भेजिए, पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, चार्जेज 2450 रुपये लगता है। 2450 रुपये, ठीक है ठीक है। UPID सारा चीज़ मेंशन होगा उस पर, फोटो एडिट कर सब। चलिए भाई देखते हैं वीडियो कंप्लीट, देखिए कॉल लगाते हैं, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। किया थे इसका रिपेमेंट करने से बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, समझ गया ना, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है यदि आप रिपेमेंट कर दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको बता देना चाहते हैं। चलिए भाई कॉल लगाते हैं। कट हो गया भाई, हेलो। हाँ भाई बोलिए, बताइए। जिम्पर्टेक, हाँ हाँ वही बोल रहे हैं भाई, बोलिए। हाँ जय माता जी। जय माता जी। हेलो सर। हाँ भाई बोलिए। हाँ थोड़ी गुजराती जो। हाँ हाँ बोलिए। तो हमारा थोड़ी प्रॉब्लम होती तो मैं लोन मार्ट अप्लाई करी थी, खबर श्री लोन ऐप मार्ट। पहला तो 10,000 बताया अमाउंट, और आया थी 3,000 बताया, भाई 3 माह थी अमाउंट आयु के 1770 आयु आपका, ₹1,200 फी चार्ज बतावे। तो 3,000 रुपया भरवाना बतावे तो भरू तो ना भरू? ना ना, आपको पैसा रिपेमेंट नहीं करना है, रिपेमेंट नहीं करना है भाई, नहीं करना है ना? ना ना रिपेमेंट नहीं करना। आपका आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा अच्छा भाई है तो उससे बात कर लेता हूँ, इसलिए। तो रिपेमेंट ना करूँ ना? ना। सर दूसरी बात सर, मेरा सिविल स्कोर ज्यादा है तो उस पे तो कोई मार नहीं पड़ेगा ना? कोई मार नहीं पड़ेगा भाई, सिर्फ फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ हाँ, इसलिए तो 3 दिखा रहा है, और आया कितना? 1700 रुपये ही आया सर। हाँ तो ओके सर, इसलिए कॉल किया था। और दूसरी बात सर, आपको कितना पेमेंट करना है डेटा रिमूव का? हाँ? क्या चीज इसका आपका चार्ज कितना करना है? वही है कि मतलब कि बात विचार करने का 100 मतलब कि लेते हैं हम, वही है इन्फॉर्मेशन तो के लिए। मुझे हाँ कोई बात नहीं, क्यूआर कोड भेज देना और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। और दूसरी बार जरूर पड़ेगी तो कॉल करूँगा। ओके भाई ओके, जब भी कभी भी कॉल कर सकते हैं आप। हाँ, क्या नाम बताया आपने? नाम अपना? मेरा नाम है अनुराग सिंह, नाम है टेक्निकल जी पर। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं भाई। ठीक है भाई, सेंड कर देते हैं हम आपको। ठीक है भाई, ठीक। जय माता दी भाई। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया कंप्लीट, आप लोग देखिए चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। चलिए भाई कॉल लगाते हैं, कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखते हैं कॉल लगता है कि नहीं। कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है, समझ गए? कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन हो आपको रिपेमेंट नहीं करना है,
यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट करेगा भाई, समझ गया ना। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है उनका आपको रिपेमेंट नहीं करना है। रिपेमेंट करने के बाद होगा क्या, आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट मतलब कि किया जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इसीलिए आपको रिपेमेंट नहीं करना है कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का, ठीक है। चलिए भाई, हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, हेलो। बोलिए भाई, बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ भाई, बोल रहा हूँ, जो वो जो श्री लोन ऐप है उसमें मैं अप्लाई किया था, ठीक है। हाँ, आज ही किया था, मतलब अप्रूव, मतलब अभी पेंडिंग दिखा रहा है अप्रूवल, मतलब हो चुका है अप्रूव, अकाउंट में पैसा आने वाला है, उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, हो ही नहीं रहा है यार। तो सर इसको क्या कर सकते हैं, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। वही है भाई कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, कैंसिल तो होता नहीं है भाई, समझ गए ना। हाँ सर, वही मतलब क्या बोलूँ तुम्हें, कैंसिल मतलब डिलीट अकाउंट करना चाहता हूँ, वो भी नहीं हो रहा। तो नहीं होगा ना, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। एक बार मतलब अप्लाई कर दिए हैं तो उनके पास डेटा सबमिट हो जाता है, समझ गए, कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ तो आ गया है क्या अकाउंट में पैसा, अभी नहीं आया ना प्रोसेस में? हाँ। अच्छा, वो देखिए कब अप्लाई किए थे, कितने बजे? आज सुबह। हाँ तो आ जाएगा रात तक, चाहे कल तक, कल तक पैसा चाहे रात तक पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो सर इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कैंसिल होगा ही नहीं भाई, ये फ्रॉड है, ये लोग ट्रैप, ये लोग तो कहाँ से मतलब कि ट्रैप बनाता है कि कैसे ना कैसे आदमी इनके पिंजड़े में आ जाए, तो कैंसिल करने देगा है कि नहीं? सर वो तो है, बट सर अब क्या करें सर। अब वही है भाई कि इनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट तो चला गया होगा, तो वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं भाई। तो सर हो जाएगा? हो जाएगा, आ जाने दीजिए, पैसा आ जाएगा तो आपका हो जाएगा काम। सर अभी मतलब कुछ देर पहले 1800 अकाउंट में आया, ठीक है सर, बट आ गया है पैसा? नहीं सर, मैं पता नहीं कहाँ से आया, बट उसमें अभी दिखा रहा है जब तक नहीं आया। उसी में से आया होगा 1800, क्योंकि लोग 1800-1700 ऐसे ही पैसा दे रहा है सबको। क्योंकि सर मैं 4000 किया, तो उसमें मतलब शो कर रहा है, उसमें नेट बैंकिंग में जाकर देखिए बताएगा वो। नेट बैंकिंग में पता नहीं सर, तो वही 1800 शो कर रहा है अभी, और एक दो जन बोला था पैसा भेजेगा, तो शायद से वो भी हो सकते है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ जो कहाँ से आया पैसा। हिस्ट्री में भी शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में शो कर रहा है। नहीं तो पैसा उसी की तरफ से आया है 1800, समझ गए, क्योंकि 1750-1790 वही दे रहा है, समझ गया ना, 1800 दे रहा, वही दे रहा है पैसा, ऐसा ही 9000 तो नहीं, 1900-2200 यही सब दे रहा है पैसा वो, और उसे डबल पैसा मांग रहा है, समझ गया, 3000-4000। हाँ सर। वही 4000 मतलब ऐसे अप्रूव मतलब ये कि अप्लाई किया था, तो उसमें शो कर रहा है जो कितना 2500 समथिंग कुछ। तो मैं उसको कैंसिल करना चाहता था, तो नहीं होगा, 2 मिनट पहले कैंसिल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कैंसिल। तो सर क्या करूँ अभी सर? तो वही है कि हम लोग रिमूव करवाते हैं डेटा, समझ गए। हाँ सर, रिमूव करवाना होगा तो बोलिएगा, हम करा देंगे, पैन कार्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर लगेगा। पैसे भी लगता है? हाँ भाई, चार्ज लगता है 2450 रुपया। 2450? वीडियो भी कम नहीं होगा सर? हो जाएगा कम, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में, जो वीडियो में बोलते हैं वो बात कॉल पर भी वही बोलते हैं। हाँ सर, वही सर, वही देख के सर कॉल किया मैं अभी। तो सर थोड़ा कम करके बता दीजिए। हो जाएगा आपका, स्टूडेंट हूँ मैं, वही सोचा कर लूँ थोड़ा। मैं कर दूंगा फिर। ना तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गया ना, इनका रिपेमेंट मत कीजिएगा, मान लीजिए ये सब है तो नहीं सर, इसलिए सर मैं अभी कॉल किया आपको। रिपेमेंट करने के बाद भी ये लोग आपको ब्लैकमेल करेगा, समझ गए। तो सर डाटा रिमूव हो जाएगा 100%? और डाटा आपका 100% रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो सर उसको सर फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? ना ना, 1 रुपया नहीं देना है भाई, 1 रुपया भी नहीं। ना तो आप पर हम अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दिए हैं, ठीक है, देख लीजिए। हाँ। तो आप इस व्हाट्सअप पर डिटेल भेज दीजिएगा, पैन कार्ड हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर, जैसे मैसेज कीजिएगा तो UPI ID सब सारा चीज़ आ जाएगा, समझ गया ना। ठीक है सर, तो हाँ, कितना सर लगेगा वो तो बता दीजिए। वहीं 2 के करीब में कर दीजिए, हम करवा देते हैं 2 के करीब में। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है। तो
सर प्लीज करवा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो भेज दिए, डिटेल भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके। हाँ चलिए भाई, बात विचार हो गया।